Hi guys, welcome back to my channel and thank you so much for clicking in this video. So if you guys are new, please subscribe down below. It will help you guys. I really hope that मैं थोड़े से वीडियोस डालूंगी इससे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो. So I upload makeup videos, skincare videos, haircare videos and some kind of review videos. If you are interested, then please subscribe. And in today's video, I'm gonna create this makeup look that is right here that you can wear to college, office. एंड कैजुअल आउटिंग के लिए आप ये मेकअप वेयर कर सकते हो. दिस इज वेरी नेचुरल, कोई फाउंडेशन यूज नहीं हुआ है गाइस. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह सुबह नहाई थी इस वीडियो को शूट करने के लिए एंड मैंने ये डॉट एंड की का लिप ग्लॉस लगाया था एंड पूरा स्किन केयर मेरा कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी. एंड मैं ये ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ. प्राइमर लगाने से हमारा फेस बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ये तो बहुत बार सुना है, लेकिन प्राइमर जब अपन हाथ में लगाते हैं ना गाइस, हाथ भी बहुत अच्छे से फीलिंग आती है. देन मैं ले रही हूँ ये स्किन टेंट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड मैं अपने सिर्फ बहुत गंदे से ब्रश से इसको ऐसे ब्लेंड कर लूँगी. बस कुछ नहीं करना गाइस, ब्रश को मैं फेर रही हूँ एंड लुक एट द डिफरेंस. एंड ये सेम प्रोसेस हमें दूसरे गालों पर भी करना है क्योंकि हमारे गालों में बहुत सारे दाग होते हैं एंड हमारी स्किन इतनी अच्छी भी नहीं है, इसीलिए मैं पूरे फेस पे ऐसे ब्रश से चला लूँगी. देन मैंने क्या किया पता है, मैंने अपना लिपस्टिक लिया जो कि मेरे फेस लाइक मेरे स्किन टोन पे बहुत गंदी तरीके से दिखता है एंड ये बिल्कुल सूट नहीं होता, तो मैं इसको अब ऐसा ब्लश यूज़ करती हूँ एंड ये ऐसे मैंने ब्रश के ऊपर लगा के डायरेक्ट लगा लिया एंड लुक एट इट, बिल्कुल स्किन जैसा फिनिश लगता है गाइस. तो वो कर लिया है मैंने एंड मैं ये फिटमी का प्राइमर ले रही हूँ. फिटमी का नहीं, मेबलिन का प्राइमर है एंड ऐसे लगाना है. ये प्राइमर मेरा बेचारा 2 साल से ख़त्म ही नहीं हो रहा, जो भी है हमें इसको लगा लेना है ऐसे ऐसे. एंड ये मैं ब्रफिंग ब्रश ले रही हूँ एक कंसीलर को ऐसे ब्लेंड करने के लिए गाइस. सो ये ना मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड ये कंसीलर लगाने के 5 मिनट के लिए मैंने वेट भी किया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए एंड इतनी कवरेज मुझे मिल जाए. सो बस उतना ही मैंने लगाया है एंड उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ नाउ. अभी पाउडर वगैरह मैं डेफिनेटली लगाऊंगी बट उसके पहले मैं पूरे अच्छे से अपने फेस को सेट कर लेना चाहती थी. सो ये मैं अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर चला रही थी उसके ऊपर एंड मुझे पता है कुछ होने नहीं वाला, लेकिन मैं फिर भी अपने कॉन्टोर स्टिक से पता नहीं क्यों अपने नोज़ को कॉन्टोर करने लगी थी सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद. तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला. मेरा पकौड़ा वाला नाक पकौड़े की नाक की तरह ही रहने वाला है बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज मन की शांति इज़ बड़ी शांति एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ सेल्फ लव. सो उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाइज एंड उसके बाद मैंने अपना टूटा फूटा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया एंड उससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी गाइस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स समर टाइम. सो सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद मैंने फेस सेट इसलिए किया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए हमारे फेस पे. एंड उफ ये बाल मुझे पसंद है मेरे बाल बहुत, लेकिन आई डोंट लाइक इट वेन आई एम डूइंग समथिंग एंड दे कम इन द वे. तो ये ट्रांजिशन शेड लेना है गाइज, मुझे पता है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा ट्रांजिशन शेड लगाने का क्योंकि मेरी आईलिड्स इतनी काली है, लेकिन वहाँ मैं ब्रश नहीं फेंकती तो मुझे अच्छा नहीं लगता. देन मैं मेबलिन का जेल आईलाइनर ले रही हूँ एंड इसको ऐसे काजल की तरह लगा लूँगी. वाओ आँखें कितनी सुंदर लगती है ना गाइज ऐसे करने से. आई नो देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस, सिर्फ काजल लगाया करो एंड बहुत प्यारी लगती है गाइस. एंड मैं मस्कारा लूँगी, अपना फेवरेट चॉइस ब्यूटी का मस्कारा लिया है मैंने एंड इसको अच्छे से मैं लगा लूँगी अपने पूरे आईलैशेस पे ताकि मेरी आईलैशेस बहुत लंबी लंबी लगे, घनी घनी लगे और नेचुरल भी लगे. तो अच्छे से हमें इसको लगाना है और पता नहीं क्यों मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही हूँ. फिर ये है लिप लाइनर जो कि है स्विस ब्यूटी का एंड मैं उसको घूर रही थी इस तरीके से क्योंकि मैं इससे लिप लाइनर तो ये है लेकिन मैं इससे लिपस्टिक का काम भी कराती हूँ गाइस. तो मैं इसको पूरे लिप्स पे लगाऊंगी, लिप लाइनर को पूरे लिप्स पे लगाना है क्योंकि मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने हैं. तो लिप लाइनर से लिप लाइनर और लिपस्टिक दोनों का काम किया, लेकिन मैंने फिर भी एक लिपस्टिक उठाई इनसाइड की एंड ये ब्राउन कलर की न्यू लिपस्टिक है एंड मैं इसको अप्लाई कर लूँगी बिकॉज सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज सेल्फ लव. देन मैं बिंदी लगा लूँगी, मेरे को बिंदी लगाना पसंद नहीं है बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे लगा लेना चाहिए. एंड बिलीव मी गाइज मैं इसके बाद खुद को ऐसे देख रही थी, झूठ मत बोलना, आप सभी ऐसे देखते हो फॉर श्योर, मेकअप करने के बाद खुद को ऐसे ही देखते हो. सो दिस इज़ द फिनिश लुक, मुझे अच्छा लगा होगा अगर आपने अभी तक देखा हो मेरी बकवास सुनी है गाइज. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड या प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. So that's it for the makeup video. My makeup is done and to be very honest, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. I'm gonna sit at my home and I'm gonna work on my computer
as usual. That was my daily routine. So that's it for today's video. I really hope this makeup was helpful for you all. So if yes, then please subscribe down below and hit the like button. And I'll see you guys in my next one. Bye.